यूपी के बुलंदशहर में मॉर्निंग वॉक पर गए एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौत की खबर सुनने के बाद प्रॉपर्टी डीलर के घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर एसीपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गुलावटी रोड स्थित इदरिश कॉलोनी निवासी यासीन रोजाना की तरह साइकिल पर सवार होकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। जब वह कॉलोनी से निकलकर रोड पर पहुंचे तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना में यासीन की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। एसएसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मॉर्निंग वॉक पर घूम रहे यासीन नाम के व्यक्ति की बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने सलीम नाम के व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। पूछताछ में पता चला कि सलीम ने मृतक यासीन पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज कर रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ आगरा।